अच्छा तो पहले बता क्या हुआ तेरे को, चाकू हाँ, क्यों मार दिया? चाकू क्यों मारा? Were you deviating from stories too much? Sorry, हाँ, तो देख, एक तो शो था शाहपुर जाट में, ठीक है, पॉट वैली शाहपुर जाट में, शाहपुर जाट अब नाम ही समझ पा रहा है, शाहपुर जाट, हाँ, तो मतलब ऐसे काफी जाट वाट रहते हैं उस एरिया में, एंड एंड तो उधर पॉट वैली पे तू गया हुआ है वैसे खाना वाना खाने? अरे ऑफ कोर्स, हाँ, तो फोर्थ फ्लोर, मैं ओपन माइक किया उधर, हाँ, तो फोर्थ फ्लोर पे पॉट वैली, अभिजीत आई एम एन ओजी ब्रो, क्या होता है यार, अरे माँ कसम डूड, तू क्या यार, मैं तेरे को बेसिक इंटरनेट रेफरेंस 101 तेरे को नहीं समझ में आ रहा है डूड, ये क्या है ये इंटरव्यू? ओजी क्या है? ओजी यार ऐसा मतलब ओरिजिनल जनरेशन, ओरिजिनल गैंगस्टर, फर्स्ट जनरेशन। अंदर का जमीर नहीं मान पाया, अंदर का जमीर बोल दिया कि यार नहीं पता यार ये, सॉरी मेरे को, अच्छा अच्छा बट वो, सो यस, ट्रैक पे वापस आना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बाय द एंड ऑफ द, बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एवरीबॉडी विल लाइक साला समझ आ रहा है क्यों मारा इसके चार, इतना शायद डिविएट कर रहा था बार बार स्टोरी से, बट हाँ, तो इसका बहुत सारा, तो फोर्थ फ्लोर पे वो है शो हो रहा है, हाँ, तो शो होते होते अचानक से अपेरेंटली क्या हुआ कि महीप भी था, काफी सारे लोग थे, जाकिर भी था, राघव तो ऑफकोर्स था, अमित टंडन था, अमित था, तो महीप ने, मतलब किसी महीप ने ना अपनी गाड़ी थोड़ी गलत पार्क कर दी थी, कुछ ऐसा हुआ था, महीप ने अपनी गाड़ी गलत पार्क कर दी थी, जिसके वजह से कोई जाट बंदा भयंकर टुन और वो वहां से निकल नहीं पा रहा था, अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहा था। ओके, अब तो और इंसिडेंटली एक और चीज, अब मैं थोड़ा सा, हाँ, इसका थोड़ा सा वो है, डिविएशन भी है फिर से तो द स्टोरी, मैं उस टाइम थोड़ा कड़ा वड़ा पहनता था, मतलब काफी कड़ा हमेशा से बचपन से पहना हुआ था, और मेरा कड़ा का प्रॉब्लम यह है कि मैं सोते वक्त उतार के रखता हूँ कड़ा, तो मेरा उससे पहले कुछ कॉन्सर्ट ट्रिप पे लगा था ऑफिस वाले डेलॉयट, तो और मैं कड़ा अपना भूल गया था होटल में, तो मैं बिना कड़ा के था, अब कड़ा के बिना उधर आया, तो महीप ने बोला कि, और मतलब मैं सबको बोल रहा था ऐसे कि यार कड़ा नहीं, यार अजीब सा लग रहा है, तो महीप ने बोला एक काम कर तू मेरा कड़ा ले ले, करके कड़ा दे दिया मेरा, ये तो छोड़ा ऐसी ट्रिविया इंफॉर्मेशन, और उसके बाद शो किया अपना, फर्स्ट हाफ का मैंने शो किया, फर्स्ट हाफ का शो किया, तो नीचे से जब परफॉर्म कर रहे थे और जब राघव होस्ट कर रहे थे, नीचे से चिल्लानी विल्लानी की आवाज आ रही, नीचे से मतलब जो 300 नीचे, तो काफी जोर से कोई चिल्ला रहा था, उसके बाद जब फर्स्ट हाफ एक ब्रेक हुआ, शो के बीच में ब्रेक हुआ, मेरा सेट वेट हो गया, सो दिस इज नॉट अ रोमांटिसाइज्ड वर्जन ऑफ, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरे सेट सुन के वजह से कुछ भी हुआ, सेट का कुछ लेना देना नहीं था, तो अब ये बंदा, एक भारी ड्रंक बंदा गाली देते देते ऊपर आया, और ऊपर आते ही वॉज फाइटिंग विद द ओनर ऑफ द कैफे विच इज दिस फीमेल कॉल्ड पूजा, नाइस स्वीट पर्सन, और तो वो काफी ड्रंक सा था और उससे बात बात कर रहा था, ये क्या है, एंड ही वाज वेरी स्लरिंग अ लॉट, डजंट नॉट इवन एबल टू से वर्ड्स एंड ऑल, बहुत ही उस स्टेट में, तो मतलब एक काइंड ऑफ वो ही था, मतलब इंसिडेंट ये था कि मैं एक और कबीर, एक देयर वाज अनदर कबीर जो एक आरजे था, मतलब ही इज वेरी इंटीमिडेटिंग टू द दिल्ली कॉमेडी सीन, वो हम तो हम काइंड ऑफ ऐसे गए बिकॉज ही वाज टॉकिंग टू पूजा एंड इट जस्ट वियर्ड दैट वो उससे बात करता, तो हम लोग पूछे कि अरे सर क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसे वाला फेज में कि सर क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, चलो यार बाहर सिगरेट विगरेट पीने चलते हैं, ऐसे ऐसे करके, और उसको हाँ कोई स्ट्रेस नहीं, चलो चलो, देन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन, तो लगा कि चलो सिचुएशन आउट हो गई, मतलब पूरा वो हो गया, उसके बाद हम वो भी नीचे चला गया, पूजा भी फ्री हुई, तो हम लोग फिर उसके बाद फोर्थ फ्लोर पे ही हम बालकनी की तरफ चले गए, जो बालकनी थोड़ा राइट पे है, उसके बाद हम बालकनी में स्मोक वोक कर रहे हैं, उसके बाद तब तो मैं स्मोक भी करता था, हाँ, और उसके बाद हम लोग वापस इधर तक आए, आई लव द नॉड, मैं स्मोक भी करता था, हाँ सॉरी यार, बट रुक जा यार, मैं ना बार बार बीच में चेक करता रहूँगा कि रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, माइक की भी ऑन है, और कैमरा भी ऑन है, हाँ सॉरी फॉर डिलीटिंग अगेन, तो उसके बाद मैं ना, मतलब उसके बाद हमारा स्मोक हो गया, उसका सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला था, तब हमने मतलब ऊपर से नीचे से देखा, नीचे थर्ड फ्लोर में किचन है, उधर से कुछ आवाजें आ रही थी, तो किचन में आवाजें आ रही थी, और फिर किचन से ऐसे करके नीचे देखा, तो मैं वहां पे खड़े थे हम सारे, मैं जाके अमित शर्मा, वो वही समीर मायरा वॉज देयर, साहिब बासु भी था, विक्रमजीत था, महीप भी था, तो मतलब ऊपर से देख रहे थे, उसके बाद मैं मतलब बिकॉज इसलिए मैं थोड़ा आगे था, तो मैं नीचे की तरफ गया, एंड नीचे जैसे जा रहा था, देन दिस गाइस लाइक मैडम ये वो करके,
and he was just very drunk and slurring sorts. And while doing that, he kind of touched her on the, touched on the breast. And she was also like, what is going on? And then she also, how dare you touch me, kind of, how dare you touch me? And pura wahan pe thoda sa scene hone lag gaya tha. So it was very instinctive, kyunki main udhar upar se tha, to mere ko laga, matlab instinctively ki main, aur main aisa kuch wo nahi hu ki matlab aise, matlab, अरे हीरो ये वो ऐसा कुछ सीन नहीं है बट इट वाज जस्ट काइंड ऑफ जिपी के बीच में काइंड ऑफ बिटवीन द टू ऑफ देम कि अरे यार प्लीज मतलब एंड मोर टुवर्ड्स हिम दैट गाय कि बॉस यार क्या कर रहे हो आप थोड़ा पीछे जाओ एंड व्हाइल दैट वाज हैपनिंग ही काइंड ऑफ लाइक जस्ट डिड दिस एंड ऐसे करके मतलब जस्ट वो किया एंड मेरा चश्मा उड़ते हुआ गया किचन था किचन के एक कढ़ाई के अंदर चश्मा करी के अंदर चला गया नाउ एज अ फेलो स्पेक्टिकल वेयरिंग पर्सन यू नो दैट कि एनी फाइट When the specs go off, the first priority is कि चश्मा वापस चढ़ा। Yeah, yeah. बाकी दुनिया भाड़ में के सब कुछ मेरे को चश्मा चढ़ाना because visibility is fucked. Now मेरे को रूई के गोले दिख रहे। हाँ। तो मेरे को दिख रहा है चश्मा कढ़ाई के वहाँ गया और चश्मा कढ़ाई में करी थी तो मैंने चश्मा जल्दी से उठाया और मैं साफ कर रहा हूँ फिर मैंने पहना और मैं दिख रहा हूँ करी अभी गिर गया चश्मा से एंड चश्मा से करी गिर रहा फिर मैं दिख रहा हूँ फिर चश्मा तो साफ हो गया तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ अच्छा ये करी नहीं है जो गिर रहा है ये तो खून है ओ बाप रे सो दैट बास्टर्ड वो अचानक से वो अपना स्विच ब्लेड निकाला है और स्विच ब्लेड निकाल के जल्दी से मेरे सर पे उसने खचाक मारा है जिससे मेरा चश्मा उड़ के पीछे गया एंड मीनवाइल उसके बाद तक तो मतलब ऑल किचन स्टाफ अपना मतलब वो लोग किचन स्टाफ और वो भी बैटशीट किया रहे फाइटर स्टार्टेड तो वो भी अपना कुर्ची उर्ची लेके सब कुछ जैसे वो सब लेके उसको मार रहे और They are fucking proficient with their things, यार उनके लिए वो let's say जैसे with his guitar, they are with their fucking chop chair और पटा पटा पट 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 उसे मार रहे and तो उसके बाद and जब उसके बाद अमित has gone into full papa mode. अमित is like अभिजीत bat. I'm like why is he yelling? और फिर चिल्ला भी रहे. एक तो मुझे dizzy हो रहा है मेरा चश्मा अभी मैंने वापस पहना और मैं चिल्ला रहे. और फिर बोलो अच्छा चलो ठीक है मैं बैठता हूँ और किचन का स्टाफ उसको मतलब कुर्ची उर्ची से मारते मारते पूरा तीन फ्लोर नीचे तक ले गया तो तीन फ्लोर नीचे था और फिर मैं बोलो अच्छा चलो मैं बैठता हूँ अभिजीत कहते नहीं अभिजीत तेरे सर से खून निकल रहा है चल अरे मैं ठीक हो जाएगा बिकॉज मुझे कुछ ऐसा पता भी नहीं हुआ तब थोड़ा एड्रेनलिन भी ज्यादा होता है बोला अच्छा चलो चिल्लाना बंद करो और चलो चलते हैं तो फिर उसके बाद हम तीनों मतलब मैं अमित शर्मा जो कबीर और समीर मेहरा और अमित हम चारों बेसिकली ऐसे करके नीचे जा रहे हैं और नीचे जब तक गए तब तक उसको वो थर्ड फ्लोर के नीचे पड़ा हुआ ऐसा उसको किचन स्टाफ मारते मारते ले गए और फिर वहां से गए हम वहां पे उसके बाद नहीं हॉस्पिटल का राइड भी इतना सिंपल नहीं था क्योंकि दिस इज बाय द वे दिस इज इमीडिएटली आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट This is just a week or two okay. after Nirbhaya incident. तो security भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा check posts है, सब कुछ है. तो मूलचंद के hospital के लिए हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, but हर जगह वो U-turns ही blocked है. तो हमें कुछ 5 kilometers detour करके करना पड़ा है. और मैं जिसमें गाड़ी में हम बैठे, आगे अमित गाड़ी चला रहा है, साइड में समीर मार रहा है और इधर कबीर है और मैं इधर हूँ. और सब आपस में ना जोक मार रहे कि ओए ओए क्या बकवास हो गए वो और मैं जैसे ही कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ कि मेरे ये लो दो पंचेस सब उन्हें दे अभिजीत तेरा मुझे खून निकल रहा है खून चुप कर जा ये बहुत ही अनफेयर गेम है खून भी नहीं मेरा निकले और मेरे को बात भी करने का मौका नहीं मिला और आप सब बात करे जा रहे फिर सब चुप करो उसके बाद गाड़ी लेके गया मूलचंद हॉस्पिटल में अब मूलचंद हॉस्पिटल बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल जिसमें इमरजेंसी में जगह है एक इंसान की ठीक है तो अब मैं जब वहां पे गया तो अब मतलब वहां पे गया तो पहले से ना इमरजेंसी में किसी का कुछ मतलब कुछ चल रहा था तो डॉक्टर मतलब ने आया बाहर देखा मेरा देखा और फिर वो अंदर गया एंड व्हाट इज द मोस्ट मतलब वहां पर एक बंदे का पैर में चाकू मारा गया था पैर पे चाकू मारा था तो उसने कहा कि प्रायोरिटाइज करते हैं इसका सर पे लगा है प्रायर वाले को बाद में देखेंगे सो दिस गाय जो अंदर जिसका चल रहा था टाके चल रहे थे मिड टाके उसको बोला कि भाई साहब आप चलो तो वो भी बेचारा उसके पैंट्स डाउन है और उसके बस अपने और वो मुझे देख रहा है क्या है यार ये समय का मैं कहता हूँ यार मेरी गलती थोड़ी है